8 साल से पासपोर्ट पूरा खाली था, सो बुल्गारिया आए हैं तो सोचा पहले पासपोर्ट भरें, बाकी टेंशनें बाद की बात देखी जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू ऑल आर फाइन। हम एकदम बढ़िया ज़बरदस्त। सो इस टाइम आपको हम ट्रैवल करवाने लगे हैं नॉर्थ मैसेडोनिया, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि बुल्गारिया, करंटली आई एम इन बुल्गारिया रूस से, यहाँ से वहाँ जाने का कितना खर्चा आता है, कितना एक्सपेंस आता है। पर जो ट्रैवलिंग करेंगे खुद भी करेंगे, साथ को आपको भी करवाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे आओगे बुल्गारिया में, तो यहाँ ज़रूर जाके जाना फॉर योर ट्रैवल हिस्ट्री विद लो बजट एंड विदाउट वीज़ा। फॉर सम टाइम्स आई ब्लेस्ड माई सेल्फ, लाइफ में कभी मौका मिलता था कि कभी ट्रैवल करेंगे, फाइल लगाते थे, रिजेक्शन आती थी, और इन दिस वीक अब भगवान ने, ऊपर वाले ने ऐसा मौका दिया कि एक हफ्ते में मैं, दैट्स माई सेकेंड कंट्री आई एम गोइंग टू विजिट। एंड आप देखते रहें, टिल देन देखते रहें। राइट नाउ करंटली आई एम इन अ सोफिया बस स्टैंड, दैट्स द सोफिया एंड दैट्स द ऑल द बस स्टैंड, एंड मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ दो फ्रेंड्स हैं वो जा रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर द बस। रात को रूसे से चले थे ट्रेन में, वहाँ का कोई ब्लॉग नहीं बनाया बिकॉज रात को इतना अच्छा व्यू था नहीं, और जो व्यूज़ ज़बरदस्त थे वो दिखेंगे नहीं रात को। सो अभी स्टार्ट करते हैं व्लॉग को एंड पूरा व्लॉग देखें, और इस व्लॉग में आपको ट्रैवल बजट करवाएंगे हम, ट्रैवल बजट कैसे करते हैं और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बजट ट्रैवलिंग कैसे करनी है। सो वेट एंड वॉच, मिलते हैं आपको ऑन द वे। It's too hot over there. Oh, what is it? Toplo weather. Toplo. No go toplo. No go toplo. Da. इन दिस वीडियो आई हैव टू टेल यू एज़ वेल कि बजट ट्रैवलिंग कैसे करते हैं। मैं कल रात को हमने बस ली थी फ्रॉम रूसे टू सोफिया एंड सोफिया टू मैकेडोनिया, ये हमारा दो रूट थे। वीडियो के बीच बीच में मैं आपको कहीं पे बैठ के और ये पूरा रिव्यू भी दूंगा, और कितना बजट है ये ए टू जेड, आप रूसे से सोफिया से कैसे आ सकते हैं। सो वॉच द होल वीडियो, और टिल देन अभी जा रहे हैं सिटी सेंटर स्कोपजे के, थोड़ा सा अपने आप को इन्जॉय करते हैं, अपने आप को इन्जॉय करवाते हैं। एंड आई एम विद माई टू बडीज, मैं थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, एंड एक और है, एक और सर हमें मिले हैं, सर ही कह सकते हैं एक्चुअली, ही इज़ अ कैप्टन इन US एयरलाइन, थोड़ी सी एयरलाइन भूल गया मैं कौन सी एयरलाइन थी। सो वी कैच देम लेटर, देन आपसे मिलाते हैं उनको भी, जस्ट वेट फॉर इट। ਬਾਜੀ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਖਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਟ ਪੂਜਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਮ ਦੂਜਾ। ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਰਗਰ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਟੂਡੇ ਵਿਦ ਦੈਟ ਵਿਊ। यूरोप में आने का यही फील है, एंड समटाइम्स आई फील ब्लेस्ड कि एक ही वीक में मैं दो कंट्रीज घूम रहा हूँ, एंड सीरियसली इस चीज़ का कोई जवाब नहीं। सी सम पीपल ओवर देयर बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, व्हाट इज दैट? That's the Macedonian flag. You can see it. Wow, man. That's why I love traveling. I love to explore myself. तो कुछ आवाज मारी जा रहे अपने बंदे। जितना यहाँ लाइफ में घूमोगे उतना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे,
और हमें इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है और वही करते हैं, हम इंजॉय करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और साथ साथ में आपको भी घुमा रहे हैं, आपको भी गाइड करेंगे। वेरी परफेक्ट व्यू, थोड़ा सा ब्लर आ रहा हूँ मैं, सो आपको बताते हैं कि यहाँ पे आने का सबसे अच्छा वे क्या है। एज़ यू ऑल नो, आई लिव इन बुल्गारिया करंटली, ऑन दैट टाइम आई लिव इन रूसे, सो रूसे से हमने ली ट्रेन, ट्रेन से आए हम सोफिया, एंड सोफिया से बसेस चलती हैं मैं नॉर्थ मैकेडोनिया आने के लिए एवरी डे 7 इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून 3 or 4 एट दैट टाइम। सो और उसका अप्रॉक्सीमेटली चार्ज होगा पर पर्सन 30 यूरोस। 30 यूरोस में आप मैकेडोनिया एंटर कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट फिर हमने यहाँ पे हॉस्टल बुक करवाया हुआ है, हॉस्टल बुक, हॉस्टल के अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 यूरोस पर डे, नॉट मोर देन दैट, 10 to 15 यूरोस पे हमने आज के पे किए हुए हैं, बिकॉज हमारा आगे का भी जाने का प्लान है, आई एम नॉट श्योर येट, बिकॉज अभी और भी हैं, हमें यहाँ पे फ्रेंड्स मिले हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके बाद आपको बताते हैं। सो ये तो खर्चा हो गया 30 यूरोस आपका वहाँ से टिकट का यहाँ आने का, और 15 यूरोस यहाँ का हॉस्टल का, एंड आफ्टर दैट ये कंट्री कुछ भी ज़्यादा महंगी नहीं है, फॉर दी ट्रेवलर्स इट्स वेरी अफोर्डेबल कंट्री, चीप वर्ड का हम यूज़ करते नहीं है, एंड येस इट्स अ वेरी अफोर्डेबल कंट्री, और इसका व्यू आपको, आप खुद देख सकते हैं। वेदर अपडेट दें, वेदर इज़ टू हॉट ओवर देयर, मे बी 25, 26, 27, अभी चेक नहीं किया है हमने, तो घूमने आए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वेदर का फ़र्क पड़ता भी नहीं है, अभी समर स्टार्ट हो चुकी है, बट अभी इतना वेदर है तो मे बी आगे और कितना वेदर होगा। चलिए हमारे बंदे ऑलरेडी देखो भाई थक चुके हैं, मुझे ज़्यादा बोलने का शौक नहीं है, मेरे को एक्सप्लेन करना ज़्यादा बढ़िया लगता है, एंड आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन इट कि हम कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं, दैट्स माई थर्ड कंट्री जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ विद माई TRC विदाउट गेटिंग एनी वीज़ा, तो मेरे को वीज़ा लेने की अब ज़रूरत ही नहीं है, अगर मैं 3 कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ तो आप भी आए, क्यों नहीं आना चाहिए आपको भी। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसके भी प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं, बट आई सजेस्ट यू टू हैव टू विजिट दैट कंट्री डेफिनेटली। अब बहुत गर्मी है यार यहाँ पे, सीरियसली इतनी ज़्यादा गर्मी है, अभी आई एम नाउ वी आर गोइंग बैक टू हॉस्टल, उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट करते हैं और शाम को निकलते हैं, देन आपसे मिलते हैं। फर्स्ट और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि हम वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, वो इसीलिए ट्रैवल कर सकते हैं बिकॉज नाउ आई एम अ TRC होल्डर, और TRC होल्डर से पहले आई एम अ बुल्गारियन लॉन्ग से डी वीज़ा होल्डर, अगर मेरे पास बुल्गारिया का लॉन्ग से डी वीज़ा है तभी मेरे को इतने बेनिफिट्स आज मिल रहे हैं। सो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, अगर मैं इंडिया से नॉर्थ मैसेडोनिया का या रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करता इट वुड अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट मी 1 lakh rupees, टिकट होती, आइटनरी होती, आने जाने का खर्चा होता, रेंट होता, A to Z होता। और अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ मैसेडोनिया मैंने रूसे से नॉर्थ मैसेडोनिया तक मेरा सिर्फ खर्चा आया अप्रॉक्सीमेटली 200 यूरोस, 200 यूरोस में मैंने ये कंट्री ट्रैवल की, उसके बाद एक कंट्री और ट्रैवल करके आया हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, इस वीडियो में सिर्फ मैसेडोनिया की बात करेंगे। सो आपको एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए हमारे बुल्गारियन TRC पे कौन सी कंट्री पे आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, अगर मैं गूगल के सहारे बैठा रहता तो आज मैं शायद यहीं बैठा रहता, बट अब मेरे पासपोर्ट पे 3 नहीं 4 कंट्रियों की स्टैम्प्स बोलती हैं, 4 कंट्री कौन सी, फर्स्ट रोमानिया, सेकंड बुल्गारिया, थर्ड नॉर्थ मैसेडोनिया, और फोर्थ इज़ जस्ट अ सरप्राइज़ फॉर यू, फॉर नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेन करेंगे। सो अब बात करते हैं कि यहाँ के बेनिफिट्स की, मैं TRC होल्डर हूँ तो मैं ये अभी तो चार कंट्रीज़ घूमी हैं, जो ऑनलाइन कंट्रीज़ बोलती हैं उनमें मैं अभी एक बार भी नहीं गया हूँ, उसमें अभी जाएंगे क्योंकि वो तो पता ही है हम जा सकते हैं। अपने आप को हमेशा एक चैलेंज दो लाइफ में कि ये कंट्री करनी है या ये करना है, वट एवर द इट इज़, सो चैलेंज जितने देते रहेंगे हम उतना ग्रो करते रहेंगे। सो मैं अपने आप को चैलेंज देता हूँ, डिनाई कर सकती थी इमिग्रेशन मेरे को, बट नहीं डिनाई किया उन्होंने, क्यों, आई हैव अ वेरी सॉलिड रीज़न फॉर इट।
मेरे पास ए टू जेड डॉक्यूमेंटेशन थे, तो उन्होंने मेरे को डिनाई नहीं किया और मैं वहाँ तक इतने एक्सपेंस खर्चे गया हूँ, तो उसकी साथ वाली कंट्री घूमना डेफिनेटली मैं घूम के आऊँगा। एक ऐसी कंट्री भी है यहाँ पे शैनिगन में, उसमें भी मैं जाऊँगा। अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, मैं आपको पहले भी बोलता हूँ, जब तक मैं खुद से एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ कोई चीज़ें, मैं आगे गाइड नहीं करता हूँ। सो पहले हम जाएंगे फिर आपको गाइड करेंगे। और एक शॉर्ट फॉर्म में आइटनरी बताएं तो रूसे टू स्कोपजे जाने का खर्चा आता है अप्रॉक्सीमेटली 100 यूरोस। बसेस में जाओ, ट्रेन में जाओ, वहाँ पे एक दिन का रेंट लो या दो दिन का हॉस्टल भी रहो, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली खर्चा आएगा 100 यूरोस। खाने पीने का मिला के 30 से 40 यूरो। इतना महंगा नहीं है नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हैं। एज अ स्टूडेंट आप जा सकते हो, बजट ट्रैवलिंग जो करते हैं वो कर सकते हैं। और अगर 20,200 यूरोज़ को हम इंडिया के हिसाब से लगाएं तो वो 20,000 भी नहीं बनते, अब फिर भी 16-17 हज़ार रुपये बनते हैं। सो 16-17 हज़ार भी मैं एक कंट्री घूम के आया हूँ, स्टैंप लगवा के आया हूँ, दो दिन की स्टैंप लगी है मेरे पास, एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे कई फ्रेंड्स मिले, लोकल से इंटरेक्ट किया। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप किसी को वीडियो में लेते नहीं हो, लोकल से इंटरेक्ट नहीं करते हो। अगर मैं किसी के साथ जा रहा हूँ तो मैं अपने साथ वालों की कंपनी इंजॉय करता हूँ। अगर मैं अलॉन ट्रैवलिंग करूँगा तो बहुत सारे लोगों से मिलाऊंगा आपको, मैं इतने लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। इस वीडियो में इस बार जब मैं गया तो एक यूएसए के कैप्टन थे, उनके साथ इंटरेक्ट किया। एक यहाँ पे यूक्रेन की कोई लड़की थी, योगा टीचर, उसके साथ इंटरेक्शन हुआ मेरा। एंड शी एंड ई ऑल आर माई इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, वो सब हम एक दूसरे के साथ एक कम्युनिटी बन जाती है ट्रैवलर की, तो वो बनते हैं। एंड मेरे को तो इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैं बजट ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, और वो भी बुल्गारिया वीज़े पे। मेरे को कोई वीज़ा नहीं ले रहा हूँ मैं, बुल्गारिया वीज़े पे मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, और भी जाएंगे और भी गाइड करेंगे। सो एंड अपने रिव्यू देना बिल्कुल मत भूले, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप अपने फीडबैक दें मेरे को कि आई एम डूइंग माई वट, मैं कैसा वीडियो बनाता हूँ या क्या करता हूँ, बिकॉज आप लोगों के फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को खुद भी ग्रो करना है और ग्रो मेरी ऑडियंस करवा सकती है। आप मेरे को करवा सकते हो, क्योंकि आप मेरे को ग्रो इसलिए करवाओगे बिकॉज मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ और मोटिवेशन मिले मेरे को। सो वॉच दी होल वीडियो एंड इन दी एंड प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। Fuck.